हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सोल एडमिशन 2022 के जो फॉर्म है वो 5 अक्टूबर से ही रिलीज कर दिए गए हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट प्रेशर में है, क्योंकि उन सभी को ये डर लग रहा है कि हमारा एडमिशन हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक गेटवे क्लोज शो कर रहा है, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि वेरिफिकेशन पेंडिंग पड़ी है। तीसरी एक तरीके की नई प्रॉब्लम एक और आ गई है कि जब भी फॉर्म स्टेप पे आगे जाते हो तो वहाँ शो कर जाता है उप्स समथिंग वाज रॉन्ग एज इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी स्टूडेंट को देखने को मिल रही है। तो इसको लेकर मैं आप सभी से यही कहूँगा, ये प्रॉब्लम आपकी अकेले की नहीं है, ये जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अभी फॉर्म फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम ग्लिच जो है ये शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। वरना अगर आप चाहो तो आप सोल विजिट कर सकते हो। मैं सोल का जो हेड ऑफिस का जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, उनको आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट मिल चुका है, और जिनका अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, गेटवे क्लोज आ रहा है, पेमेंट हो गई है बट अभी तक फी रिसिप्ट और आईडी कार्ड नहीं आया है, तो उनका भी कन्फर्म हो जाएगा। देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अभी जो एडमिशन हो रहे हैं नए तरीके से हो रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट के ऑप्शन पर, और अब तो फॉर्म जब भी आगे जाता है तब उप्स करके आ जाता है। ये सर्वर एरर है आपकी तरफ से नहीं, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर आप सोल हेड ऑफिस जाना चाहते हो, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना, वहीं ऑफिस है इनका, अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, वरना वेट कर लीजिए। क्योंकि अभी तक क्या था, एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहे थे, बट कल के दिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट आ चुका है, और जिनका नहीं आया इस हफ्ते तक आ जाएगा। आपने अगर अप्लाई कर दिया, अगर आपकी पेमेंट कट गई है, अगर नहीं कटी है तो आप वेट कर लीजिए, जैसे ही गेटवे ओपन होगा आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। तो ये इंटरनल सर्वर एरर है, ये आपकी तरफ से नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसके ऊपर मेंटेनेंस का जो काम है वो चल रहा है, और ये प्रॉब्लम जैसे सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर आपको थोड़ा सा और डर लग रहा है, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप सोल विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।